राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्य श्रोता भक्त माल के
तुम पीछे जो और हो, श्रोता है रस खान, दिन के सकल मनोरथ पूजे बहु श्री हाथ जोड़े वंदन करूं, धरूं चरण पर शीश, ज्ञान भक्ति मोहे दीजियो परम पुरुष जगदीश, दया दृष्टि तव सुमिरन करूं, भगवान आठो या मेरो मन गिरवी धरो मन मोहन के पास, प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो ना छूटन किया। वो दिन प्रभु कब आएगा जब पकड़ेंगे बाह, कर कृपा बिठलाएंगे मोहे चरण कमल की छा, सब कुछ दिन आया अपने भेंट करूं क्या ना, नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दो नोहार, जोड़ू मैं दो नोहार। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे बिहार,
Yeah.
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आ मेरे मन गोवर्धन, कर दे तू सर्वस अर्पण।
भक्तमाल कथा अंतर्गत कथा श्रवण कर रहे थे भक्तिमती करमेती जी की। श्रवण किया आप लोगों ने कल, किसी भी प्रकार के किसी भी सुख की कोई कमी नहीं थी घर में। खांडेला के राजा सरदार के पुरोहित की पुत्री थी, सुखों की घर में किसी प्रकार भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन समस्त सुखों से मन हटा करके प्रभु में लगाया। सच बात तो यह है कि लगाया नहीं, लग गया, दुनिया से मन हटाया नहीं, हट गया। मन हटाना अलग वस्तु है और मन हट जाना अलग। मन हटाना ये साधना है और मन हटना ये सिद्ध अवस्था है। प्रभु में मन लगाना ये साधना है और प्रभु में मन लग जाना ये सिद्ध अवस्था है। हृदय जब तक खाली नहीं होगा तब तक इसमें भगवान भरे नहीं जा सकते। यह यूं कह लो, क्योंकि ऐसा भी देखने में आता है कि जब तक हृदय में भगवान नहीं भरे जाएंगे तब तक संसार निकलेगा नहीं। पहली साधना, इसमें त्याग मुख्य है और द्वितीय साधना में अनुराग मुख्य है। भगवान पहले हृदय में आए ऐसा बहुत कम होता है, पहले संसार को निकाला जाता है हृदय से, ये साधना है। लेकिन करमेती के हृदय से संसार उसने निकाला नहीं, निकल गया, स्वतः ही निकल गया। क्यों? हृदय में भगवान आकर के बस गए थे। ऐसा बहुत भाग्यशाली, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, ऐसे साधक बहुत कम है कि भगवान हृदय में आ गए, संसार स्वतः ही निकल गया। नहीं तो होता यह है कि बरबस साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा, विवेक के द्वारा, सोच समझ करके अच्छी प्रकार से जब बुद्धि सतोगुण में स्थित होती है, विवेक का आश्रय लेती है, तब ये विचार आता है कि संसार का त्याग करना चाहिए। लेकिन करमेती के जीवन में त्याग स्वतः आ गया, अनुराग आते ही त्याग स्वतः आ जाता है। अनुराग के बिना त्याग असंभव तो नहीं, लेकिन कठिन बहुत है। अनुराग के बिना, प्रभु से अनुराग हुए बिना संसार का त्याग अहंकारों को भी कई बार जन्म दे देता है। इसलिए हम सावधानी बरते इस बात की तरफ, अनुराग की तरफ बढ़े,
त्याग स्वतः ही होता रहेगा। देखो आप लोग यमुना नगर से वृंदावन जाएंगे तो दो बातें हैं, यमुना नगर के त्याग की बात मन में ना आए, केवल वृंदावन पकड़ने की तरफ भागो, बस यमुना नगर को छोड़े ये भाव ना करो, वृंदावन चले बस ये भाव करो। यमुना नगर त्यागना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही त्याग आ जाएगा, अपने आप ही छूट जाएगा। वृंदावन से अगर वृंदावन की तरफ बढ़ रहे हो तो जो जो वृंदावन के नजदीक जाते जाओगे त्यों त्यों यमुना नगर से दूरी बढ़ती चली जाएगी स्वतः ही। और एक वो लोग हैं यमुना नगर से दुखी आ गए, परिवार से बस छोड़ना है, संसार को छोड़ना है, यमुना नगर को छोड़ना है, दोबारा कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा यमुना नगर वालों को, परिवार वालों को, और छोड़ करके भाग गया। अब वृंदावन जाना ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य ये है कि यमुना नगर को छोड़ना है, परिवार को त्यागना है, इसने मुझको बहुत दुख दिए। अब इसकी जिंदगी में अनुराग की विशेषता नहीं, प्रमुखता नहीं, प्रमुखता है त्याग की। ऐसा त्याग भी अच्छा है, प्रशंसनीय है, लेकिन ये खतरे से खाली नहीं है। अब वृंदावन पहुंच गए तो वृंदावन पहुंचने के लिए वृंदावन नहीं पहुंचे थे, परिवार से पिंड छुड़ाने के लिए पहुंचे थे। परिवार हमारी बात नहीं मानता, घर में हमारी पूछ ही नहीं है, इसलिए त्याग दिया, खारा समझ करके त्याग दिया। कुछ समय वृंदावन बसते बसते हो गया तो परिवार से दूरी बढ़ गई तो प्रेम बढ़ने लगा, पुरानी बातें भूलने लगी, परिवार वाले भी बार बार फोन करते, लेने भी पहुंच गए। हुआ क्या, बूढ़ा मान गया, फिर आ गया यमुनानगर में, फिर परिवार में दोबारा आ गया। क्यों, अनुरागी बनकर निकलते तो मेरे कन्हैया पकड़ लेते हैं, राधा रानी भी छोड़ती नहीं, क्योंकि राधा रानी जिसको बुलाती है तो सदा के लिए बुलाती है, दाना पानी भी साथ ही बुला लेती है। एक बार जो मेरे ब्रज में आ जाए फिर कभी दोबारा माया में ना जाए, संसार में ना जाए। अगर कोई वापिस आता है तो अपनी मर्जी से आता है, राधा रानी की मर्जी से नहीं। जाते हो राधा रानी की मर्जी से और लौट कर आते हो अपनी मर्जी से, उनकी मर्जी नहीं होती। यद गत्वा नैन निवर्तन्ते तद धाम परम मम। वृंदावन जाया जाता है, आया नहीं जाता, आते हो अपनी मर्जी से, जाते हो राधा रानी की मर्जी से। ब्रज 84 कोस की भूमि अलौकिक जान, कृपा करे जो लाडली हो तब ही पहचान। तो अनुराग को लेकर के, भाव को लेकर के जाओगे तो कन्हैया पकड़ लेंगे, उनकी नजरों से बच नहीं पाओगे, पकड़ लेंगे। अगर अभाव को लेकर के जाओगे, किसी सुख का अभाव था, किसी बात का अभाव था, चाहत पूरी नहीं हुई, दुखी हो गए, जिन्होंने चाहत में विघ्न किया उनके प्रति ईर्ष्या हुई, त्याग दिया घर, जाओ नहीं मानते तो मैं जा रहा हूं छोड़ करके। अभी जो घर छोड़ करके भागा वृंदावन की तरफ तो भाव लेकर के नहीं भागा, अभाव लेकर के भागा है। और जो अभावग्रस्त हैं, जिनमें भाव नहीं, अभाव की प्रधानता से त्याग तो दिया लेकिन वो कन्हैया के हाथ में नहीं आ पाते, पकड़ में नहीं आ पाते, क्योंकि जब अभाव की पूर्ति होती दिखाई देगी वो फिर वापिस आ जाएंगे। और मेरा कन्हैया तो भाव का भूखा है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार। हमने भी घर छोड़ा था आज से करीब करीब 30 साल पहले। ये उस समय की बात है जिस समय यमुना नगर से दिल्ली का बस का किराया 21 रुपए हुआ करता था और दिल्ली से वृंदावन का बस का किराया 17 रुपए हुआ करता था। ये उस समय की बात, और हमारी जेब में तो केवल 40 रुपए। फोगला आश्रम के सामने बस रुकी, उतर गए, 2 रुपए बचे थे और रिक्शा वाले को किराया दे करके मंजिल पे पहुंच गए। ठन ठन गोपाल, अब कुछ नहीं रहा,
ये नहीं सोचा जो आप लोग सोचते हो, अगर घर परिवार को छोड़ कर जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, कहाँ भोजन करेंगे, बीमार हो गए कौन दवाई खिलाएगा, बुढ़ापे में कौन हमारा साथी होगा, ऐसी बातें जो सोचेगा वो प्रभु की शरण में नहीं जा सकता। अरे तुमको प्रभु में विश्वास ही नहीं है। भगवान ने कहा करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखे महतारे। हम कहते कि माँ भी बच्चे को ऐसी नहीं रख सकती जैसे प्रभु अपने भक्तों को संभालते हैं। जहां भगत मेरा पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, और पीछे पीछे मैं फिरूं कभू ना छोड़ूं साथ। गांठ में राखे नहीं, जेब में राखे नहीं, और मांगन में सकुचाए, तीन के पीछे मैं फिरूं कहीं भूखा सो ना जाए। इतना भगवान में विश्वास नहीं, इसलिए वृंदावन नहीं आते। घर में जूते पड़ रहे हैं तभी वृंदावन के नहीं सोचते, यही कि खाएंगे सो सो जूत तमाशा घुस के देखेंगे तभी गृहस्थ नहीं छूट रही है। कई लोग तो घर परिवार से तंग आकर के आत्महत्या कर लेते हैं लेकिन वृंदावन ही जाते छोड़ करके, क्योंकि भावना नहीं है। ध्रुव भक्त की कथा सुनी थी हमने, पढ़ी थी, प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी महाराज की लिखी हुई भागवती कथा, कई खंड थे, उसमें से एक खंड हमारे हाथ पड़ा जब मैं 9th में पढ़ा करता था, तभी से लगन लग गई। यही मन में था कि जब ध्रुव भक्त बिना खाए जी सकते हैं, क्या हम नहीं जी सकते? 16-17 साल की आयु में घर छोड़ के निकल गए, 3 साल वृंदावन रहे, 12 साल बरसाने रहे, अब सन 2002 से गिरिराज के चरणों में है। विश्वास नहीं, भाव नहीं। भाव को लेकर के प्रभु की शरण आओ तो स्वीकार करें। तुम कितने बड़े पापी हो ये सब नहीं देखा जाएगा, तुम पापी हो बहुत बड़े पापी, भगवान नाराज हो जाएंगे, शरण में नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं। कोटि विप्र वध लागे हो जाही, आयउ शरण तजहु नहीं ताही। करोड़ों करोड़ों ब्रह्म हत्यारा, करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाला भी अगर प्रभु की शरण में आना चाहे भाव को लेकर के, तो प्रभु उसको सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। अपि चेत सुदुराचारो, कोई कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, गीता जी ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन से, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक साधु रेव स मंतव्य। मैं उसको साधु ही बांधता हूं, मेरी शरणागति से पहले वो क्या था ये सब मैं नहीं देखा करता। उसे कितनी गलतियां हुई, कितने अपराध हुए, मैं उसके पूर्व के कर्मों को नहीं देखता, मैं देखता हूं वर्तमान के भाव का। भाव है ना इसमें, मेरे प्रति शरणागति है, विश्वास है, श्रद्धा है, पूर्व में जीवन कैसा था ये मेरे कन्हैया नहीं देखते। अगर ये देखते वो तो हम में से एक भी यहां बैठा ना होता, क्योंकि उन्होंने कृपा की है तब सत्संग कथा में बैठे हो, उन्होंने बुलाया है तब आए हो। अगर हमारे कर्मों को देखते तो ये सत्संग ना होता, नाराज हो जाते, कृपा ना करते। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। वो रीझे हैं, उन्होंने बुलाया है इसलिए आप आए हैं। तो हमारे पूर्व के कर्मों को नहीं प्रभु देखते, वर्तमान का भाव देखते, तुम पूर्व में कैसे थे सब नहीं देखा जाता। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव स मंतव्य। मैं उसको साधु मानता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रति जाने ही नामे भक्तः प्रणश्यति। जिसके भीतर एक बार मेरी भक्ति आ गई बस सदा के लिए मेरा हो जाएगा। कई बार होता है भक्तों से गलती हो जाती है, भक्ति के बाद भी, शरणागति के बाद भी गलती हो जाती है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी भगवान की, संभालना भगवान का काम है, भक्त की रक्षा करना, भरण पोषण करना सब मेरे ठाकुर जी के हाथ में। कर्मेति ने यह नहीं सोचा कि मैं 16-17-18 साल की हूं, इस उम्र में मैं जाऊंगी,
मैं अपने धर्म की सुरक्षा कैसे कर पाऊंगी, घोर कलिकाल है, युवावस्था को लेकर मैं अकेली नारी घर से निकलूंगी तो क्या होगा। आज तुम चिंता करते हो, स्कूल में बच्चा जब तक स्कूल से नहीं आता, स्कूल के आने का टाइम हो गया लेकिन नहीं आया तो चिंता करने लग जाते हो, क्या हुआ बच्चा क्यों नहीं आया। तो करमेति ने यह नहीं सोचा कि मैं अकेली जाऊंगी क्या होगा, मैं नारी जाती हूं अकेली कैसे रहूंगी, किसी भी पुरुष की कुदृष्टि पड़ सकती है, भरण पोषण कहां से करूंगी, कहां रात को सोऊंगी, सर्दी गर्मी बरसात में कैसे देह का पालन करूंगी, कैसे सुरक्षा करूंगी, कोई जानकारी भी वृंदावन में किसी से नहीं, और अपने साथ में अटैची या बैग भी बांध के नहीं लेगी सामान का, पास में कोई धन संपत्ति नहीं, कैसे मेरे जीवन का निर्वाह होगा, इतनी लंबी आयु में मैं कैसे सुरक्षित रहूंगी, कैसे जीवन धारण करूंगी, सब अभाव की बातें एक भी नहीं, बस रो रो के प्रभु से प्रार्थना करी मुझको वृंदावन बुला लो। तुझ बिन ना चैन पाओ सुन टेर मुरली वाले, तुझ बिन ना चैन पाओ सुन टेर मुरली वाले, 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 मैं सासुरे ना जाऊं ब्रजधाम में बुला ले, समझ ना पाऊं जाऊं कहां करूं क्या, कुछ भी समझ ना पाऊं, माता पिता न माने फिर किसको जा सुनाऊं, विश्व में झोंकी जा रही है मेरी रक्षा करो, बेबस है अबला नारी तेरे बल पे जी रही हूं, बेबस है अबला नारी तेरे बल पे जी रही हूं, दिन रात जाल से बचा ले, लोग सुध हमारे
सुध हमारी जग जाल से बचा ले। करमेती प्रार्थना कर रही है किससे बचा ले, सुखों से बचा ले हमको, और आप लोग प्रार्थना करते हो दुखों से बचा लो, अर्थात मुझको संसार के सुख दो, भगवान की आवश्यकता नहीं है, तभी तो भगवान संभालते ना। देखो द्वार पे आपके कोई भिखारी आया तो आप उसको देंगे वस्तु जो मांगता है, भिखारी समझ के देंगे, तो आप उसको देने के लिए नहीं देते, उसको भगाने के लिए देते हो। पता है कि जब तक नहीं देंगे द्वार पे अड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, तो आप उसको टालने के लिए देते हैं। लेकिन जब आपके गुरुदेव आपके द्वार पर आ जाते हैं, आप भीतर ले आते हैं, उनकी भी सेवा कर रहे हैं। देखिए अंतर है, गुरु दाता बन के आते हैं, भिखारी भिखारी बन के आता है। देते आप दोनों को, सेवा दोनों की करते हैं, लेकिन एक को टालते हो और एक को पालते हो। अब सोचो तुम भगवान की भिखारी हो कि भगवान के पुजारी हो। पुजारी बन के जाओगे तो भीतर रख लेंगे अपने पास, अगर भिखारी बन के जाओगे वस्तु दे करके टाल देंगे। हम भिखारी हैं, भिखारी को टाला जाता है, पाला नहीं जाता, पाला पुजारी को जाता है। हम भगवान से सुखों की भीख मांगते हैं, दुखों को भगा दो, सुखों दे दो, प्रणाम स्वरूप भगवान हाथ में नहीं आते। देखो द्रौपदी ने पुकारा था, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में थे, किस लिए पुकारा था? दुख हरण कर लो, सुख दो, दुखों को भगाओ। तो उस समय भगवान आए तो सही, लेकिन द्रौपदी को दर्शन नहीं हुए, केवल चीर बढ़ा, बस चीर को तो बढ़ा दिया, द्रौपदी को दुख से तो बचा लिया, क्योंकि उसका विश्वास था श्री कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। रो रही है द्रौपदी, इसलिए नहीं रो रही कि आके दर्शन दो, मैं आपके बिना व्याकुल हूं, आपकी बहुत याद आ रही है, आपके बिना जीवन भार हो गया, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, इस प्रकार से द्रौपदी नहीं रोई भगवान के लिए। तभी तो भगवान आए नहीं, तभी तो दर्शन नहीं। वो रोई थी इसलिए कि मेरा चीर बढ़ाओ, मेरी लाज बचाओ, तो बचा दी भगवान ने लाज, काम तो कर दिया लेकिन दर्शन नहीं दिया। और इधर विदुरानी जी, जब सभा में पतिदेव विदुर जी गए तो जाते समय कह दिया आज कृष्ण आ रहे हैं सभा में, आज सभा लगेगी, मेरी तरफ से कृष्ण को कहना तुम्हारी काकी याद कर रही है। सभा लगी, पांचों पांडवों की तरफ से जो संदेश लेकर आए थे शांति दूत बन करके, संदेश दिया गया, दुर्योधन ने संदेश नहीं लिया, कुछ भी असर नहीं हुआ उपदेश का। विराट रूप तक प्रभु ने दिखाया, प्रभाव दिखाया, तब भी प्रभु की बात नहीं मानी। विदुर जी को बार बार विदुरानी की बात याद आ रही है, मुझको थोड़ा अवसर मिले मैं केशव को कहूं कि तुम्हारी काकी आपको बहुत याद कर रही है। आप वापिस लौट कर जाएंगे पांचों पांडवों के पास, जाते समय थोड़ी देर के लिए अपनी काकी से मिल लेना, ये कहना था। भीतर भीतर तो बहुत बार कह चुके हैं लेकिन जुबान नहीं खुल पा रही, ऐसा कोई अवसर नहीं मिला। जब श्री कृष्ण सभा का त्याग करके जाने लगे वापिस, तो भीष्म पितामह ने हाथ जोड़े, केशव एक दिन मेरा आतिथ्य ग्रहण करें, सेवा का अवसर मिले। इधर दुर्योधन भी कहता है केशव आपके लिए 56 भोग तैयार है, स्वादिष्ट रसोई तैयार है, आप भोजन ग्रहण करो। 56 भोग भी त्याग दिए, सबके निमंत्रण ठुकरा दिए, रथ पर बैठ गए। विदुर जी को मौका भी मिला था, विदुर जी के बगल से निकले थे रथ पर बैठने के लिए, अवसर मिला था विदुर जी को, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि कह दूं कि तुम्हारी काकी याद कर रही है। जब भीष्म पितामह का प्रस्ताव ठुकरा दिया,
द्रोणाचार्य जी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। 56 भोग तैयार कराए थे दुर्योधन ने, वो भी प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब मैं कैसे कहूं, हिम्मत नहीं पड़ी, रथ वहां से चल दिया। मनी मन पछताने लगे विदुर जी। मनी मन कहते, अरे विदुर तू कहे तो देते, उनका घर में आना ना आना बाद की बात, एक बार कह तो देते, कर्तव्य तो पालन करना था। अब क्या मुंह दिखाओगे जा करके घर में। बड़े दुखी हुए, सोच रहे हैं कि घर जाके क्या कहूंगा, वो पूछेंगे निमंत्रण दिया कि नहीं दिया, मेरी तरफ से मेरा संदेश दिया कि नहीं दिया, क्या कहूंगा जाकर, पत्नी की डांट पड़ेगी, पत्नी नाराज हो जाएगी। पछता रहे हैं, अरे विदुर कह ही देते, शायद तुम्हारी बात मान जाते। देखा विदुर ने, जब घर पहुंचे देखकर हैरान हो गए, कन्हैया को भोग लगा रही है काकी से, और दृश्य बड़ा विचित्र है। ऊपर पीठ पे स्वयं बैठी है, पीढ़े पे स्वयं बैठी है, और कन्हैया नीचे पांव की तरफ। केला छीलकर गिरी डस्टबिन में डाल दी और छिलके खिला रही है, होश ही नहीं, प्रेम में ऐसी मत वाली, शरीर भी विचित्र, अर्धनगन सी अवस्था, स्नान कर रही थी। कन्हैया ने कुंडी खटखटाई थी, स्नान करती करती बाथरूम से बोली, कौन है? बाहर से आवाज आई, कन्हैया कहने के, काकी मैं हूं, मैं हूं कृष्ण। बस कृष्ण का नाम सुनते ही भूल गई कि मैं स्नान कर रही हूं। अर्धनग्न अवस्था में थी, ऐसी अवस्था में कुंडी खोल दी। कन्हैया ने देखा काकी के भाव को कि मेरा नाम श्रवण करते ही भूल गई देह के शुद्ध, यही तो है बंदगी, भूल गई देह के शुद्ध। कन्हैया ने अपना पीतांबर अपने ऊपर से हटा करके काकी को उड़ा दिया। अभी काकी को होश नहीं है, केले ले आई उठाकर, पहले सोच रही थी मेरा कन्हैया आएगा, इस पीढ़े पे इस पट्टिका पे बैठाऊंगी, केले खिलाऊंगी, ये बात पूछूंगी, वो बात पूछूंगी, ऐसे मिलूंगी, मेरा कन्हैया मुझको प्रणाम करेगा, मैं आशीर्वाद दूंगी, हृदय से लगाऊंगी, लेकिन सब कुछ भूल गई। जिस पीढ़े को रखा था संभाल के केशव को बैठाऊंगी, स्वयं उसके ऊपर बैठ गई, नीचे ठाकुर जी, भक्त और भगवान की प्रेममयी दिव्य क्रीड़ा चल रही है। ना तो भगत को होश है कि मैं क्या खिला रहा हूं, ना भगवान को होश है कि मैं क्या खा रहा हूं। बंदगी बकायदे होश, ये बंदगी नहीं कुछ और है। ये लीला कब तक चलती कह नहीं सकते। ये तो बीच में विदुर जी आ गए। विदुर ने थोड़ी देर इस दृश्य को देखा कि ये हो क्या रहा, दोनों को होश नहीं। अंत में पत्नी का हाथ पकड़ के बोले, पगली क्या कर रही हो, बड़े भाग्य से घर में कन्हैया आए और ये तुमने क्या किया, हट पीछे पगली कहीं। अब होश आई, केवल विदुरानी को ही नहीं श्री कृष्ण को भी अब होश आई, स्वाद में ऐसे मगन हो गए। तीन लोक नौ खंड में नित होए जेमनहार, सब जगह भगवान को भोग लगाया जाता है। तीन लोक नौ खंड में नित होए जेवनहार, एक भिलनी एक विदुर घर तृप्त भय दो बार। विदुर जी ने कहा, प्रभु क्षमा करना, पगली है, भाव तो ठीक है, क्रिया ठीक नहीं है, ध्यान ही दिया, पगली है। मन ही मन भगवान कहने लगे, मन महसूस कर, पगली वो नहीं, पागल तू है, ये तूने रंग में भंग डाल दिया। लेकिन मुख से कुछ बोले नहीं, गलती को ढकते हुए क्षमा मांगते हुए विदुरानी की तरफ से। क्षमा नहीं मांग रहे, एक तरह से अपराधी कर रहे। फिर डलिया से केला उठाया, छीला, छिलका गिरा दिया, गिरी प्रभु के मुख में दी, एक बार सिर्फ
थोड़ा सा ग्रास कट करके मुख में लिया और तुरंत भगवान ढकार मारी, भर गया पेट, अब और नहीं। विदुर जी कहते हैं कि अभी तो आप कितने मस्ती से, कितने आनंद से ग्रहण करते जा रहे थे, अचानक क्या हुआ? काका जी एक बात बताऊं, बुरा नहीं मानना, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो आपके गिरी में नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा। तो भाव से तुम छिलके भी खिलाएं तब भी खा जाएंगे, और बिना भाव के दुर्योधन 56 भोग भी तैयार करे प्रभु के लिए तब भी उनकी तरफ से ना है, क्योंकि वो वस्तु के भूखे नहीं, वो भाव के भूखे हैं। जब भाव होता है प्रभु स्वभाव को स्वीकार करते हैं। इसने संसार की चिंता नहीं की, मैं घर छोड़ के जा रही हूं क्या होगा मेरा, सब कुछ नहीं। उसको संसार के सुख क्या लग रहे हैं? जग जाल सो बचा ले, ये जग जाल है, इसमें एक बार व्यक्ति फंस जाए तो निकलता नहीं। देखो शिकारी चिड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है, जब चिड़ियां जाल में फंस जाती हैं, पक्षी जब जाल में फंस जाते हैं तो फड़फड़ाते हैं निकलने के लिए। उनको समझ में आता है कि हम जाल में फंस गई हैं, वो चिड़ियां निकलने के लिए फड़फड़ाती हैं, लेकिन ये गृहस्थ का जाल, इस संसार के सुखों का जाल, ऐसा विचित्र जाल है, जीवन भर व्यक्ति फंसा ही रहना चाहता है, उसको ये पता नहीं चलता कि ये फसावट है, फंसा ही रहना चाहता है, निकलने की कोशिश नहीं करता। निकलने की कोशिश तो तब करे ना जब जाल को जाल माने। चिड़ियों ने तो जाल को जाल मान लिया, इसे फड़फड़ा रही है निकलने के लिए, लेकिन हम सब लोग तो इस जाल को जाल ही नहीं मान पा रहे हैं, बल्कि भगवान से कहते हैं कि हमारे ऊपर जाल डाल दो, शादी नहीं हुई तो शादी करा दो, बच्चे नहीं है तो प्रभु बच्चे दे दो, जाल को मांगते हैं, इसी में फंसे फंसे मर जाते हैं। देहगत बुद्धि होने से, देहात्म बुद्धि होने से, शरीर की जिंदगी को अपनी जिंदगी मानने से जीवन भर फंसे रहते हैं। तो हमसे ज्यादा बुद्धिमान पक्षी हैं, जो जाल में फंस जाते हैं तो पता चल जाता है कि हम फंस गए हैं, लेकिन हम तो पक्षियों से भी गए बीते हैं, हमको तो पता नहीं चलता कि हम फंसे हैं, इसको लग रहा है ये जाल है। पति का सुख सामने खड़ा, पति आगे है लेने के लिए, गोने की विदाई के बाद चली जाएगी ससुराल, वहां इसके पास सुख प्रारंभ हो जाएंगे गृहस्थ के, लेकिन इसको लग रहा है, डर लग रहा है, जाल है। विवेकपूर्ण घर का त्याग, भाव से घर का त्याग। तो प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैं समझ नहीं पा रही मैं क्या करूं, मैंने अपने चित्त की स्थिति आपको निवेदन कर दी, मैं संसार का सुख नहीं चाहती, मैं तो आपके चरणों की प्रीति चाहती हूं, मुझको प्रेरित करो मैं क्या करूं। सब घर वाले सोए हुए हैं, सब अतिथिगण मेहमान सोए हुए हैं, रात्रि के 12 बज गए, करवटें बदल रही है, रो रो के प्रभु से प्रार्थना कर रही है, और अंत में कहा, मेरे मन को प्रेम